हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेनी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों काफी दिन से बहुत ज्यादा मैं प्रॉब्लम में था, मीन्स मेरे ढेर सारे काम हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम था, उसके साथ ऑनलाइन बैचेस थे और इन सब में बहुत ज्यादा मैं बिजी था, उसकी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था। दूसरा एक और रीजन था आपसे न मिलने का, वो रीजन था व्यूज मिल रहे थे मुझे, वो व्यूज अच्छे नहीं मिल रहे थे और इसकी वजह से फिर मन नहीं कर रहा था कि फिर से आए और अपना काम छोड़ के वीडियोस तैयार करें। बट अभी एक दो दिन से मैंने देखा कि कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कमेंट्स किए कि सर प्लीज बनाओ वीडियो, रैप स्ट्रक्चर की वीडियो बनाओ। तो मैंने प्रॉमिस तो किया ही था, तो मुझे बनाना तो था ही, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। दूसरा, रिस्पॉन्स आपके इतने ज्यादा मुझे एनर्जी नहीं दे रहे थे कि नहीं यार बनाओ। बट अब मैं फिर से आ गया हूं और पूरी तैयारी के साथ आ गया हूं, एनर्जी के साथ आ गया हूं। व्यूज आए या ना आए, अपने को कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाना है। जितने लोग देखते हो प्लीज नीचे कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि सर ये नेक्स्ट टॉपिक आप ये बताइए, नेक्स्ट टॉपिक ये बताइए। आप बस टॉपिक पूछो, आंसर हमारे तरफ से आता रहेगा। दोस्तों आज का जो वीडियो, इस वीडियो में हम लोग रैबिट फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रैबिट के दो टाइप के फैमिलीज होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। हम इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चरल रैबिट फैमिली जो होती है उसको बनाएंगे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जाइए, वहां पर रैबिट फैमिली से जितने लोग गए होंगे आप बताना कि आपसे पूछा गया था कि नहीं, 110% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा रैबिट फैमिली से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से पैरामेट्रिक फैमिलीज को हम लोग क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ वीडियो कैसे लगेगा वो भी नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों जैसे ही आप इस स्टेप को ओपन करेंगे, स्टेप को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक तो मॉडल होता है जिसपे आप लोग स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और तरह तरह के टेम्पलेट्स खोलते हो। बट उसके साथ ही साथ अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे फैमिलीज होती है। इन फैमिली को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कंपोनेंट लगाना तो उसके लिए फैमिली आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो फैमिली के लिए जस्ट आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ओपन करेंगे इस टैब को, आप यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट्स आपके सामने मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे रिवार्ड शेप टेम्पलेट्स है, अगर रिवार्ड बनाना है तो हम इस टेम्पलेट को यूज कर लेंगे। इसका विंडो बनाना है तो हम लोग इस टैब को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ट्रसेस बनाने हैं डिफरेंट टाइप्स के, किंग ट्रस, क्वीन ट्रस, तो हम लोग इस टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे भी कॉलम तैयार करना है तो बना, यहाँ पे बना हुआ टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हैं कॉलम्स को बनाने के लिए। अब जनरली जो इंटरव्यूज में पूछते हैं या जनरली हमें जो यूज करना चाहिए वो यूज करना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक जेनरिक मॉडल होता है। इसका मतलब आप खुद से सारा कुछ जनरेट करो, इसके अंदर कुछ भी जनरेट नहीं है। और स्टार्टिंग लेवल पे हमें इसी को सीखना चाहिए क्योंकि आपको जब बना हुआ रहेगा तो आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे, बट जब खुद से सारा कुछ बनाओगे तो आप सब कुछ सीखोगे। अब इसमें इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, क्या .rft मतलब रैबिट फैमिली टेम्पलेट्स इसको बोलते हैं। तो बोला जाएगा आपसे रैबिट फैमिली टेम्पलेट्स का क्या फाइल फॉर्मेट होता है, तो आपको क्या बताना है .rft और उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए। ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि आप देखिए रैबिट का 2020 है, तो जैसे जैसे आप वर्जन कुछ देखते हैं बट हैवी होते जाते हैं सॉफ्टवेयर, और जैसे हैवी होते हैं सॉफ्टवेयर तो उसके हिसाब से वो स्लो भी हो जाते हैं। देखिए एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, आप इसको खोज के पढ़ लेना प्लीज, ये बहुत इजी है। और आज मैं पैरामेट्रिक की बात करता हूँ कि पैरामेट्रिक बनाते कैसे हैं एग्जैक्टली। देखिए आपके सामने एक ग्रिड ये है और एक ग्रिड ये है। पैरामेट्रिक बनाने के लिए आपको यहाँ से रेफरेंस प्लेन लेना होता है। जैसे रेफरेंस प्लेन लेंगे यहाँ से और वो लेने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, कैसे यहाँ पे इस तरीके से बना देना है। और उसके बाद अभी जैसे इस समय ये एमएम में चल रहा है तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी जरूरी नहीं कि ये इतना हो या साइज क्या हो, कुछ भी आप मेजरमेंट मत लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा टारगेट है कि हम एक फुटिंग बनाएंगे, जैसे कि पाइल फाउंडेशन बनाते हैं जिसके अंदर 4 पायर्स डालते हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे आपको ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर डायमेंशन बनाएंगे इसका, कैसे डायमेंशन डालेंगे, यहाँ से लीजिए डायमेंशन, अदरवाइज एनोटेट पर जाइए और यहाँ से अलाइन कमांड लीजिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आएगा EQ, फिलहाल तो ये इक्विलिब्रियम में ही है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर EQ में नहीं है तो अपने आप को EQ में हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आप चाहते हो कि सबका एग्जैक्ट डॉट यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन आपको पता चल जाए तो आप इन दोनों को डायमेंशन लीजिए और इसे बाहर क्लिक कर दीजिए और ये कितना है 1400 है। इसी तरीके से सेम आपको इधर जाना है और इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है।
और जैसे बाहर आप क्लिक करेंगे, याद रखिए इन दोनों क्लिक करने पर लोग क्या करते हैं, इधर इधर ऐसे क्लिक करते हैं, नहीं बाहर क्लिक करो अपने आप बन जाएगा। ईक्यू पे क्लिक करोगे अपने आप यहाँ पर डायमेंशन मैनेज हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि सबका एक साथ देखा जाए तो यहाँ पे एक साथ देख सकते हो आप, कितना है इसका 1800 और इसका कितना है 1400। अब आपको इसको पैरामेट्रिक बनाना है तो इसलिए क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेवल्स में देखो, यहाँ पे पहला वाला होता है क्रिएट पैरामीटर्स। क्यों, मुझे ग्रिड को सबसे पहले पैरामेट्रिक बनाना पड़ेगा तब ऑब्जेक्ट पैरामेट्रिक होगा। तो मान लीजिए इसको मैंने बोला लेंथ, और इसके बाद कर दिया ओके, हो गया। अब यहाँ पे लिख क्या जाएगा, लेंथ। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखा करो यार, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखते तो उसका सीपीएम गिर जाता है और फिर मन नहीं करता है दूसरे वीडियोस को तैयार करने का। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो को देखो अगर देख रहे हो तो, और नहीं देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है यार। सेलेक्ट किया इस डायमेंशन को, और डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर्स फिर से करना है, और इसको हमने क्या मान लिया, विड्थ। विड्थ हो गया। हमें चेक करना चाहिए कि क्या ये पैरामेट्रिक बन चुका है। कैसे चेक करेंगे, ग्रिड को देखो पैरामेट्रिक बना है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे फैमिली टाइप पे, और यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ 1800, मैंने इसको किया 1200। अगर ये 1200 यहाँ पे एडिट हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये पैरामेट्रिक फैमिली बन चुका है। देखिए कंप्लीट एडिट हो चुका है, और जो भी आप डायमेंशन डालेंगे वो डायमेंशन यहाँ पे अपने आप ये पुट करके खुद से एडिट करता जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक। मतलब आप पैरामीटर दे रहे हैं और वो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही, डायमेंशन से अकॉर्डिंग ही आपकी ड्राइंग को तैयार कर रहा है। चलिए अब मान लीजिए कि मुझे एक फुटिंग बनाना, जैसे मैंने आपसे पहले बात किया था, एक्सट्रूजन लिया हमने। एक्सट्रूजन लेने के बाद ऐसे ही ड्रॉ कर दिया एक एक्सट्रूजन को। अब ये फुटिंग ऐसे रहेगी तो फिर तो गड़बड़ है ना, ये ग्रिड किस लिए बनाया है। मैंने जानबूझ के ऐसा किया, जिससे मैं आपको अलाइन कमांड बता सकूं कैसे यूज करना है। देखिए अलाइन कमांड लीजिए, डायमेंशन को मतलब ग्रिड को क्लिक करिए, फिर इसको क्लिक करिए, लेकिन लॉक करना मत भूलिए। क्यों, क्योंकि इसको इसके साथ पैरामेट्रिक करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लॉक करना मत बोलिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लॉक करना मत बोलिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लॉक करना मत बोलिए। डन। इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे इसको फिनिश करेंगे और इसको 3D में देखेंगे, देखिए आपको ये देखने लगेगा कि एक बॉक्स बना है। आप बोलोगे सर इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, मतलब कि बॉक्स ही तो ड्रॉ करना था, हम तो यहाँ से एक्सट्रूजन से ले लेते। हाँ, लेकिन जो एक्सट्रूजन से लेते वहां पे अगर ऐसे क्लिक करते और यहाँ पे आप डालते 1500 अप्लाई करते तो उसका डायमेंशंस नहीं बदलता, और अगर यहाँ पे आप डालते 1200 और इसको अप्लाई करते तो इसका डायमेंशंस नहीं बदलता। अब इसके साथ ही साथ मुझे क्या दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको फुटिंग बनाऊं, तो फुटिंग बनाने के लिए इसके रेफरेंस प्लेन पे फिर से गए। अगर अब इसको मैं पाइल फाउंडेशन बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, सबसे पहले उसके लिए भी ग्रिड, हर काम के लिए ग्रिड बनाना है आपको, ग्रिड बनाना है, और ये ग्रिड इन द सेंस रेफरेंस लाइन। और इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, जो भी हमने ड्रॉ किया इसका मिरर कर दो इस तरफ। मिरर कैसे करना है, मिरर यहाँ से कर सकते हो और इस पर क्लिक कर दिया, देखो इधर बन गया। मिरर करने से फायदा क्या होगा, जो डिस्टेंस यहाँ तक की होगी वही डिस्टेंस यहाँ तक की होगी। फिर से गए हम लोग क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाने के बाद रेफरेंस प्लेन, इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मिरर पे गए और इस पर क्लिक कर दिए, और जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे तुरंत अपने आप अंदर ग्रिड्स बन गई हैं। अब इन ग्रिड्स पे मान लीजिए हमको पाइल करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूजन लेंगे और यहाँ से डायमेंशंस लिया, और सपोज हमने इस तरीके से इसको इसके ऊपर छोटे छोटे पाइल्स लगा दिए, एक पाइल इस पे लगा दिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब पे बनाओ, इसको ज्वाइन कर लो और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर लो और इधर क्लिक कर दो। मैं इसको पैरामेट्रिक नहीं कर रहा हूँ, इसको नॉन पैरामेट्रिक ही रखते हैं, जिससे कि आपको दोनों समझ आ जाएगा कैसे रखना है। और उसके बाद पिक किया हमने और इधर भी बना दिया, प्रॉपर बन गए हैं। अब इसको यहाँ पे देखिए 3D में देखिए, अभी देखिए इसको पैरामेट्रिक मैंने नहीं किया है तो क्या करना पड़ा, इसको आप खुद से एडिट करो, इसको आप खुद से एडिट करो, इसको आप यहाँ पे खुद से आपको क्लिक करना पड़ेगा फिर एडिट होगा। बट अगर ये पैरामेट्रिक होता तो कितना अच्छा रहता। तो अगर इसको पैरामेट्रिक बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, किसी भी एक व्यू में चले जाए, जैसे कि फ्रंट व्यू में चले गए, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो कि मुझे पाइल यहाँ तक चाहिए, जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए पाइल के लिए, क्रिएट पे जाइए और यहाँ से रेफरेंस प्लेन लीजिए, और रेफरेंस प्लेन लेके इधर क्लिक कर दीजिए। सपोज मुझे इतनी हाइट चाहिए अपने पाइल की, इट मे बी 1 मीटर और इट मे बी 2 मीटर, जो भी आपको चाहिए। अच्छा होगा कि इसको पैरामेट्रिक करके रखो, उससे क्या होगा कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम कल को सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये भी कितना है, ये 106। हम क्या करेंगे, इसको पैरामेट्रिक बना देंगे। कैसे,
सेलेक्ट करिए और यहां पे जाइए और यहां पे लिखिए पाइल फुट, इस तरीके से लिख दिया और ये लिखने के बाद ओके कर दिया। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखना यार, लास्ट तक। जितना अगर एवरेज वीडियो ड्यूरेशन अगर अच्छा रहा तो मैं आगे से लॉन्ग वीडियो फिर से तैयार करूंगा, नहीं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस रुक जाएगा, मतलब कि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, यही सोचता हूँ फिर मैं। सो प्लीज कंप्लीट देखो इसको। और यहाँ पे फैमिली टाइप्स पे गए और फैमिली टाइप्स पे जाने के बाद अब इसका पाइल फुट जो है इसको बढ़ा दिया हमने, इसको हमने कितना कर दिया 1200 मान लो कर दिया, ओके किया। हमने चेक किया कि हमारा ये पाइल हुआ है क्या, मतलब कि ये पैरामेट्रिक हो गया है क्या। हाँ हो गया है, इसलिए अब अलाइन करने में कोई टेंशन नहीं। देखिए अलाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लॉक, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लॉक, ये क्या हो गया, तो फ्रंट हो गया। अब यही काम आप बैक से कर दीजिए और बैक में भी हमने अलाइन कमांड लिया और फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लॉक, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लॉक। अब देखिए ये पैरामेट्रिक हो चुका होगा, चलिए इसको चेक करके देखते हैं। और ये चेक करके देखा, मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके चेक करने से पहले एक काम और कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अलग से दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे होती है ज्वाइन कमांड होती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉर्नर्स पे सेलेक्ट करना है। देखिए अपने आप ज्वाइन हो गया ये, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अब देखेंगे तो ये पाइल हो चुका है प्रॉपर। और अब इसको अगर इसके डायमेंशन को एडिट करेंगे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो इसकी हाइट अपने आप एडिट होगी। चलिए मैं इसके हाइट को लेता हूँ, ये पाइल फुट, और इसको हमने किया 1 मीटर सपोज, और इसको अप्लाई किया, परफेक्ट। तो देखा आपने किस तरीके से हम यहाँ पे ब्लॉक्स तैयार कर सकते हैं इजिली। और ये ब्लॉक्स ऐसे कई ढेर सारे ब्लॉक्स अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी भी है, बट आपको खुद से बनाना है तो देखो कितने इजिली बना सकते हो आप इस तरीके के ब्लॉक्स को। आगे का जो ब्लॉक होगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दूसरे टाइप्स की फुटिंग, जैसे आइसोलेटेड या दूसरे टाइप्स की फुटिंग को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। प्लीज नीचे इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके आना कि सर मुझे कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, सर ये इम्प्रूव करिए। डेफिनेटली मुझे अगर कोई इम्प्रूवमेंट बताते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैं उसको बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करूंगा। चलिए तो वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और ये बुक इतनी बेहतरीन है, सत्यार्थ प्रकाश, आपने सबने नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती जी की है वो। इतनी अच्छी बुक है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ समरीज क्रिएट करूं और ढेर सारे इसके सीरीज पार्ट क्रिएट करूं। तो उसके लिए मेरा जो यूनिक आकाश वाला चैनल है, सो प्लीज अगर आप सब मेरे डेली व्यूअर्स है तो वहां पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पे मैं इस सत्यार्थ प्रकाश जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, इस कोरोना की जो भी हॉलीडेज हमको मिल रहे हैं, इसमें उसका समरी आपके साथ मैं वहां पे शेयर करूंगा और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, नो डाउट। और उसके साथ ही साथ आगे भी बुक्स जो पढ़ता हूं मैं उसके बारे में बताता रहता हूं, जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज होता है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू लाइक नोवेल्स और एनी अदर बुक्स, तो हम लोग क्या करते रहते हैं उसको शेयर करते हैं। सो प्लीज जाके यूनिक आकाश को सब्सक्राइब कर लो यार, और अभी आगे के लिए भी मुझे मोटिवेट करो कि सर आप आइए, हम लोग आपका हेल्प करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब हेल्प कर रहे हैं और मैं बार बार आपके सामने आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।